अब बढ़ते हैं आगे। जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चिराग ने पिता रामविलास पासवान की जगह ली है। आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद चिराग के नाम पर मोहर लग गई है। रामविलास पासवान ने सन 2000 में लोजपा का गठन किया था और पिछले 19 साल से वो पार्टी के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सरकारी आवास 12 जनपद पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता लगातार युवा चेहरा की मांग कर रहे थे और पार्टी के सभी सांसदों ने चिराग के नाम पर सहमति जताई है। चिराग युवा है और उम्मीद है कि वो पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद चिराग ने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान से वादा किया था कि जिस विजन के साथ पार्टी की नींव रखी गई है उसे हम और आगे लेकर जाएंगे।